जय हिंद। आज की नई अपडेट आ रही है कि मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलती है। इसके अलावा छात्रों को अन्य जरूरी वस्तुएं भी दी जाती है। मदरसों में मिड डे मील और किताबें फ्री में मिलती हैं। ऐसे में सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि 9वीं और 10वीं के छात्रों को पहले की तरह छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। अभी तक मदरसों में 1 से 5 तक के सभी बच्चों को 1000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती थी, वहीं 6 से 8 तक के बच्चों को अलग अलग कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती थी। बताया जा रहा है कि पिछले साल राज्य के 16,558 मदरसों में 4 से 5 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली थी। इस बार भी नवंबर में मदरसों में के बच्चों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अचानक छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला लिया। राज्य सरकार ने पहले ही छात्रवृत्ति बंद कर दी थी। इस फैसले को लेकर आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।